शुरू करता हूँ उस पाक परवरदिगार के नाम से जिसके कब्जाई कुदरत में आपकी और मेरी जान है। सुनते कानों देखती आंखों को आपके मेजबान शिराज का सलाम पहुंचे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने अजरबैजान और अर्मेनिया के माबेन 6 हफ्तों से जारी जंग के अख्तिताम के लिए अमन वायदे को शायन करार देते हुए कहा कि अफ्रीकैन का जंग मंदी के खात्मे के लिए ऐलान का खैर मकदम करते हैं। दोस्तों, तर्जुमान दफ्तर खारजा जायद हफीज चौधरी ने अहम पेशरफ पर रद्द अमल देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा नगरनो कारबाग तनाजे पर सलामती कौंसिल की करारदादों की हमेशा हमायत की। दोस्तों, अफ्रीकैन का जंग मंदी के खात्मे के ऐलान का खैर मकदम करते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि रूस की मदद से सालसी मुआहदे में कयाम अमन का मौका मिला है। उम्मीद है कि खित्ते में इस्तेकाम और खुशहाली का दौर शुरू होगा और बेघर अफराद के लिए अपने आबाई इलाकों को वापसी का रास्ता हमवार होगा। दोस्तों, हफीज चौधरी ने कहा कि मकबूजा इलाके आजाद करवाने पर अजरबैजान की आवाम और हुकूमत को मुबारकबाद पेश करते हैं। दोस्तों, वाजे रहे कि पाकिस्तान ने आर्मेनिया से जंग में अजरबैजान के मौकफ की हमायत करते हुए हर फॉर्म पर अपनी ताईद और मुआवनत का यकीन दिलाया। दोस्तों, अजरबैजान के साथ जंग में आर्मेनिया ने पसपाई इख्तियार करते हुए रूस की सालसी में मुकम्मल जंगबंदी के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। दोस्तों, रूसी सदर का कहना है कि जंगबंदी पर अमल दरामद आज रात से शुरू हो जाएगा और ये अमल गुज़िश्ता रात से शुरू भी हो चुका है। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद और अजरबैजान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों, इसके साथ इजाजत चाहूँगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमेशा नेक दुआ में याद रखा करें। अपने मेज़बान शिराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।